السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام और हाजरी ने जलसा आज के इस मुबारक जलसे में मैं आप हजरात के सामने कुरान और हाफिज़े कुरान की फजीलत पर एक छोटी सी तकरीर करना चाहता हूँ। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ। जमाना आज भी कुरानी से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरानी से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। मोहतरम हजरात, हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि कुरान पाक का एक एक हर्फ सच्चा और सही है, जिसके सच होने में कोई शक और शुबा नहीं है। इसी कुरान पाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, के तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसलिए कुरान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और नेमत है। जमीन और आसमान, चांद और सूरज, सितारे और सैयारे कोई भी इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का कलाम सब कलामों से अफजल है। हदीस पाक में आता है, फजलु कलामिल्लाही अला सायरिल कलाम का फजलिल्लाही अला खल्की, के अल्लाह के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे कि खुद अल्लाह ताला को सारी मखलूक पर फजीलत हासिल है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिद को कल कयामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। मोहतरम हजरात, गौर करने की बात है कि जब वालिद को इतने बड़े इनाम से नवाजा जाएगा तो फिर कुरान पढ़ने वाले का दर्जा और मर्तबा कितना ज्यादा होगा। मोहतरम हजरात, कयामत के दिन हशर का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए दो जब वाजिब हो चुकी होंगी, हाफिज कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा। अल्लाह ताला उस हाफिज कुरान की सिफारिश कबूल करेगा और उन 10 लोगों को हाफिज कुरान की बरकत से दोजख से नजात मिल जाएगी। मगर अफसोस की बात है कि जब हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, उसके पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया, नतीजा ये हुआ कि हम लोग जलील और रुस्वा हो गए, नाकामी हमारा मुकद्दर बन गई। मुसलमानों, होशियार हो जाओ और गफलत का पर्दा उठाओ और कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। खुदा न खास्ता अगर हमने चंद पैसों की लालच में अपने बच्चों को कुरान पाक से दूर रखा और हमारी नजर आखिरत की नमतों के बजाय दुनिया के डिग्रियों पर रही, तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत करे, उसके अहकाम पर अमल करे और अपने बच्चों को भी कुरान पाक की तालीम दिलाए और उनको हाफिज कुरान बनाकर आखिरत की कामयाबी हासिल करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने कलाम पाक की मोहब्बत अता फरमाए। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिन गुल्फत कुरान पैदा कर, दिलों में मोमिन गुल्फत कुरान पैदा कर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।